समय और इतिहास स्थिर नहीं है, जो एक क्षण पहले था वो अब नहीं है और अगले क्षण कुछ और ही होगा। हिटलर के शासनकाल का जर्मनी कुछ और था, उससे पहले वो कुछ और रूप लिए हुए था और अब जो कुछ है वो उससे अलग है तथा आने वाले समय में इससे भिन्न होगा। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। जर्मनी कई बार टूटा और फिर संगठित हुआ, उसके टूटने और जुड़ने का क्रम चलता रहा, पर वो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अब भी जीवित है। मैंने इस पुस्तक का अनुवाद करने से पहले कई बार सोचा, हिटलर अपनी गतिविधियों के कारण काफी बदनाम हुआ। उसकी बदनामी के तीन मुख्य कारण थे। पहला, फासिस्टवादी विचारधारा, दूसरा जातीयवाद और तीसरा युद्ध की मानसिकता। इन्हीं तीन कारणों से उसे विश्व मानवता का शत्रु समझा जाता है, किंतु उसकी राष्ट्रवादी मनोवृत्ति एक ऐसा तत्व था जिसने उसके चरित्र को काफी ऊंचा उठाया। इसी उग्र राष्ट्रवादी प्रवाह की लपेट में वो दूसरे दोषों का भी शिकार हो गया। इस अनुवाद का उद्देश्य हिटलर के उन दोषों को प्रकाशित करना नहीं है, अपितु उसकी राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करना है। राष्ट्रवाद से अभिप्राय जातीय संकीर्णता नहीं है, बल्कि मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और असीम गौरव का नाम ही सच्चा राष्ट्रवाद है। आज का राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी नहीं, किंतु यहां विचारणीय यह है कि यदि राष्ट्रीय भावना जीवित है तो अंतर्राष्ट्रीयवाद भी जीवित रह सकता है। अपने देश से प्रेम, उसके प्रति निष्ठा, देशवासी होने का स्वाभिमान, देश के लिए बलिदान की भावना तथा राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की चाह जैसे गुणों की हमारे देश को आज कितनी जरूरत है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। बस भारतीय युवकों में यही जागृति उत्पन्न करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। मुझे आज यदि भारतीय समाज में कोई दोष नजर आता है जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, तो वो ये कि हम और सब कुछ हैं किंतु भारतीय नहीं है। ये कितने दुख की बात है। आज हमें अपने आप को भारतीय कहने में संकोच होता है। हमारी भाषा, आचार विचार तथा व्यवहार में कहीं भी सच्ची भारतीयता नहीं है। भौतिक स्वार्थ ने हमारे दिमागों को ढांप दिया है। हम स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समाज से व्यक्ति का नाता टूट चुका है। बस यही सबसे भयंकर एवं घातक दोष हम भारतवासियों में है और इसे दूर करना ही इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य है। हिटलर की इस पुस्तक माइन काम्फ में ऐसे अनेक संदर्भ मिलते हैं जिनसे राजनीति के स्वरूप, राजनीतिज्ञों के आचरण, संसद की भूमिका, शिक्षा व महत्व, श्रमिकों एवं साधारण जनमानस की मानसिकता, नौकरशाही, भाग्य एवं प्रकृति, मानवीय मूल्यों और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय भावना की महानता आदि का बोध होता है। हिटलर ने अपनी संरचना में वैश्यवृत्ति की कटु आलोचना की है। भिन्न जाति के पिता द्वारा भिन्न जाति की स्त्री से उत्पन्न की जाने वाली संतान को राष्ट्र के लिए घातक बताया है। भगवान और भाग्य के अस्तित्व को स्वीकार किया है। प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। राष्ट्र में युवकों के योगदान की विशेष चर्चाएं की हैं। प्रचार को सफल बनाने के उत्तम साधनों के महत्व का विधिवत उल्लेख किया है। संसद में चहकते सदस्यों की खोखली दलीलों का पर्दाफाश किया है। सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले गठबंधनों, राष्ट्रहितों की अवहेलना के रूपों, निजी स्वार्थों को राष्ट्र सेवा का नाम देने की धूर्तताओं और लोक सेवा के नाम पर अपने परिवारों के पोषण के कुचक्रों का भंडाफोड़ किया है। इस पुस्तक का एक उद्देश्य चेतना है तो उसके साथ साथ इसका दूसरा उद्देश्य चेतावनी भी है। स्वतंत्र भारत के युवा वर्ग में राष्ट्र प्रेम की चेतना पैदा करना है। भारतीय समाज में बढ़ रही राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयों, राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या, राजनीतिज्ञों में बढ़ता स्वार्थ, देश सेवा के नाम पर परिवार सेवा की प्रवृत्ति, सार्वजनिक जीवन में फैलता भ्रष्टाचार, जैसे तैसे धन बटोरने की निरंतर बढ़ती लालसा, धर्म जाति और भाषा के नाम पर होने वाली व्यापक हिंसा और काम से जी चुराने की मानसिकता आदि कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो भारतीय समाज को खोखला कर रही हैं। इन्हें रोकने की चेतावनी देना इस पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मेरा यह निश्चित मत है
यदि समय रहते इन बुराइयों को ना रोका गया तो संभव है कि भारत में भी कोई हिटलर पैदा हो जाए जो संपूर्ण प्रजातंत्री व्यवस्था को खाड़ फेंके। बुराई को बताना भी बुराई से बचने की प्रेरणा देने का एक माध्यम है। इस रूप में पुस्तक देशवासियों को चेतावनी देकर उनमें चेतना लाने का प्रयास है। कोई भी समाज आदर्शों का केवल गुणगान करके जीवित नहीं रह सकता, बल्कि उन आदेशों को अपने यथार्थ जीवन में अपनाकर ही देश का भला कर सकता है। यह एक नग्न सत्य है, यदि भारत जीवित है तो भारतवासी भी जीवित हैं, अन्यथा यदि देश नहीं तो कुछ भी नहीं। पुस्तक की महत्वता और विशिष्टता। एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित इस पुस्तक का सही मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब पाठक को समय जर्मनी में घट रहे ऐतिहासिक तथ्यों की सही जानकारी हो। इस जानकारी को देने वाला ये दुर्लभ ग्रंथ है, इसे उस ऐतिहासिक संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए। माइन काम्फ का पहला खंड हिटलर द्वारा तब लिखा गया था जब उसे बवेरियन किले की जेल में बंद रखा गया था। वहां वो क्यों और कैसे गया, इस प्रश्न का उत्तर जरूरी है, क्योंकि पुस्तक में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिनका लेखक पर गहरा भावनात्मक दबाव पड़ा और जिनके फलस्वरूप उसने इस पुस्तक की रचना की। वो जर्मनी के घोर अपमान का समय था, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शताब्दी पहले नेपोलियन द्वारा पुराने जर्मन साम्राज्य को विच्छिन्न कर दिया गया था और फ्रांसीसी सैनिकों ने लगभग संपूर्ण जर्मनी पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 1923 के प्रारंभ में फ्रांसीसियों ने जर्मनी पर आक्रमण किया, रूहर किले पर कब्जा कर लिया और राइनलैंड में अनेकों कस्बों को छीन लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन था और उस समय ब्रिटिश समाज के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया। जर्मनवासी प्रभावशाली तरीके से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे क्योंकि वारसाई संधि के अंतर्गत उन्हें पहले ही निशस्त्र कर दिया गया था। जर्मनी के लिए स्थिति को और अधिक भयावह एवं जटिल बनाने के उद्देश्य से फ्रांसीसी शासक राइनलैंड को जर्मनी से अलग करके स्वतंत्र रेनानिया की स्थापना के लगातार प्रयत्न किए जा रहे थे। इस काम को पूरा करने के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा था और जले पर नमक ये कि स्वयं अनेक जर्मनवासी धन के लोभ में शत्रु की सहायता कर रहे थे। दूसरी ओर उसी समय फ्रांस के अधीन बवेरिया के पृथककरण के लिए एवं एक स्वतंत्र कैथोलिक राजतंत्र की स्थापना के लिए भारी आंदोलन चलाया जा रहा था। ये सब बिल्कुल उसी प्रकार से किया जा रहा था जैसे कि सन 1805 में नेपोलियन ने मैक्सिमिलन को बवेरिया का पहला राजा बनाकर किया था। राइनलैंड का पृथकवादी आंदोलन बहुत अधिक जोर पकड़ गया, यहां तक कि कुछ मुख्य जर्मन राजनीतिज्ञों ने भी उसका समर्थन किया। उनका यह सुझाव था कि यदि राइनलैंड को पृथक कर दिया जाए तो जर्मन गणराज्य के लिए फ्रांस के साथ क्षतिपूर्ति के बारे में सौदेबाजी करना आसान हो जाएगा। बवेरिया में यह आंदोलन इससे भी आगे बढ़ गया, परंतु इसे लागू करने में अनेक उलझने थी जिनका परिणाम दूरगामी था। उदाहरण के तौर पर यदि बवेरिया में स्वतंत्र कैथोलिक राजतंत्र की स्थापना की जाती तो दूसरा कदम संभवतः हैब्सबर्ग राजा के अधीन कैथोलिक जर्मन ऑस्ट्रिया के साथ संगठन होता। इस प्रकार एक कैथोलिक ब्लॉक बन जाता जो राइनलैंड से शुरू होकर बवेरिया एवं ऑस्ट्रिया के बीच में से गुजरकर डानूबे घाटी तक जाता और ये पूरी तरह फ्रांसीसी नेतृत्व के राजनीतिक नियंत्रण में ना सही तो कम से कम उसके नैतिक तथा सैनिक नियंत्रण में तो अवश्य ही होता। ये विचार आज अटपटा लग सकता है, किंतु उस समय ये विचार व्यवहारिक ही लगता था। ऐसी योजना को लागू करने का अर्थ था जर्मनी के नामो निशान का मिटना और यही फ्रांसीसी कूटनीति का उद्देश्य था, भले ही अब यह उद्देश्य नहीं है। ये पुस्तक ठीक उन परिस्थितियों में लिखी गई है। सन 1923 की शरद ऋतु तक बवेरिया में पृथकवादी आंदोलन एक संपूर्ण तथ्य लगता था। राइख बेयर का बवेरियन चीफ जनरल बोनलो सो अब बर्लिन में आदेश नहीं लेता था। ये प्रदेश जर्मन गणराज्य का अंग कम ही दिखाई देता था। अंत में बवेरियन प्रधानमंत्री ने बवेरिया को स्वतंत्र घोषित करने और जर्मन गणराज्य से पृथक होने का फैसला कर लिया। ये फैसला जर्मन गणराज्य की स्थापना की 5वीं सालगिरह नवंबर 1918 को अमल में लाया गया। हिटलर ने विपरीत प्रहार किया। वो काफी दिनों से म्यूनिक के आसपास अपने योद्धाओं को तैयार कर रहा था और उसे आशा थी कि राइख बेयर पृथकवाद को रोकने के लिए उसका साथ देगा। लोडिन डोर्फ उसके साथ था और उसने सोचा कि सेना की निष्ठा को जीतने के लिए विश्व युद्ध में जर्मन कमांडर के सम्मान से काफी मदद मिलेगी।
8 नवंबर की रात को बर्गर बाउ कैलर में एक सभा का आयोजन किया गया। बवेरिया के देश प्रेमी सैनिक वहां एकत्रित थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर बोन केहर ने सरकारी घोषणा पढ़नी प्रारंभ कर दी, जिसमें व्यवहारिक रूप से बवेरिया की स्वाधीनता का और अलग राज्य की स्थापना का उल्लेख था। जब बोन केहर बोल रहा था तो हिटलर ने हाल में प्रवेश किया और लोडेनडोर्फ उसके पीछे आ गया। सभा भंग हो गई। अगले दिन नाजी बटालियन ने राष्ट्रीय एकता के लिए बाजारों में व्यापक प्रदर्शन किया। हिटलर और लोडेनडोर्फ के नेतृत्व में जुलूस निकाले गए, लेकिन लोग ज्यों ही शहर के केंद्रीय स्क्वायर में पहुंचे त्यों ही पुलिस ने गोली चला दी। 16 प्रदर्शनकारी घटनास्थल पर ही मारे गए। 2 राइखवेयर की बैरकों में चल बसे तथा अनेक लोग जख्मी हुए। हिटलर पहाड़ी पर से गिर पड़ा और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। लोडेनडोर्फ सीधी गोली चलाने वाले सिपाहियों के घर में घुस गया, परंतु उस बूढ़े कमांडर पर गोली चलाने का किसी ने साहस नहीं किया। हिटलर को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया और लेश नदी पर स्थित लैंड्सबर्ग किले की जेल में डाल दिया गया। 26 फरवरी 1924 को उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे म्यूनिख में बोलर्स गैराइश्ट जन न्यायालय के सामने पेश किया गया। उसे 5 वर्ष तक किले में बंद रखने का आदेश दिया गया। उसे उसके बाकी साथियों के साथ लैंड्सबर्ग एमलेख में वापस लाया गया, पर अगले दिसंबर की 20 तारीख को उसे रिहा कर दिया गया। वो कुल 13 महीने जेल में रहा। इन्हीं दिनों उसने माइन काम्फ का प्रथम खंड लिखा। स्पष्ट है कि उस समय हिटलर के दिमाग में काफी तनाव था। फ्रांस के विरुद्ध लिखना एक स्वाभाविक बात थी। बड़े राष्ट्रों ने हमेशा छोटे राष्ट्रों का शोषण किया है। उन दिनों जर्मनी में शांतिवादी भी फ्रांस की कड़ी आलोचना करते थे। इस पुस्तक का दूसरा खंड हिटलर ने तब लिखा जब उसे जेल से रिहा कर दिया गया था, किंतु जब पूरी पुस्तक प्रकाशित हुई तब फ्रांसीसी रूहर छोड़े जा चुके थे। फ्रांसीसी आक्रमण के कारण जर्मनी का आर्थिक सामाजिक ढांचा अस्त व्यस्त हो चुका था। चारों ओर अराजकता, निराशा और बदले की भावना फैली हुई थी तथा फ्रांस को अपने फ्रैंक का 50% अवमूल्यन करना पड़ा था। वास्तव में सारा यूरोप बर्बादी के कगार पर बैठा था। रूहर तथा राइनलैंड पर फ्रांसीसी आक्रमण ने भारी तबाही मचाई थी। हिटलर ने स्वयं कहा था, मैं केवल राजनीतिक नेता हूं, कूटनीतिज्ञ नहीं हूं। जब मैंने ये पुस्तक लिखी तो मैं राय का चांसलर नहीं था, इसलिए इस पुस्तक के साथ मेरे सरकारी पद का कोई संबंध नहीं है। ये पुस्तक वास्तव में जर्मनी का ऐतिहासिक दर्द है, जिसका भोक्ता हिटलर भी था तथा जिसने अपनी मानसिक पीड़ा की अभिव्यक्ति इस पुस्तक के रूप में की है। जो कुछ हिटलर ने अपने शासनकाल में किया वो उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा था। पुस्तक को उसी संदर्भ में पढ़ा और ग्रहण किया जाना चाहिए। अब उन संदर्भों को समझना भी जरूरी है जो इस पुस्तक में बार बार दोहराए गए हैं। उदाहरण के लिए हिटलर ने बार बार जर्मन राइक का उल्लेख किया है। कई बार उसका हवाला पहली राइक या साम्राज्य से है और कई बार 1871 में विलियम प्रथम द्वारा स्थापित जर्मन साम्राज्य से है। संयोगवश जिस शासन का 1933 में उसने उद्घाटन किया उसे सामान्यतः तीसरी राइक के नाम से जाना जाता है। हालांकि संकेत का उल्लेख माइन काम्फ में नहीं किया गया है। हिटलर ने हैब्सबर्ग साम्राज्य और ऑस्ट्रिया का स्पष्ट और सही विभेद बताए जाना ही बिना उसके ऑस्ट्रियन एवं ईस्ट मार्क के बारे में भी कहा है। राइक शब्द जो कि लैटिन शब्द है रैग्नम का जर्मन रूपांतर है, का अर्थ बादशाहत या साम्राज्य या गणतंत्र नहीं है। ये एक मौलिक शब्द है जो संविधान के किसी स्वरूप पर भी लागू हो सकता है। संभवतः रैलम शब्द अधिक उपयुक्त होगा और साम्राज्य शब्द भी प्रयुक्त हो सकता है, जबकि राइक का वास्तविक अर्थ साम्राज्य था। पहले जर्मन साम्राज्य का पूर्वगामी 800 ईस्वी में स्थापित होली रोमन साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चार्ले मैग्ने ने की थी। चार्ले मैग्ने फ्रैंक्स जर्मन जातियों का एक समूह था जो बाद में रोमन बन गए थे। 10वीं शताब्दी में जब ओटो प्रथम 936 से 973 सम्राट बना तो चार्ले मैग्ने का साम्राज्य जर्मन हाथों में चला गया।